मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। एक बार फिर से मुमरा बाईपास पर पकड़ा गया स्नैचर लुटेरे को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, काफ़ी वर्षों से मुमरा बाईपास पर स्नैचिंग, रॉबरी, मर्डर ये एक आम बात हो गई है। हमेशा से वहाँ पर ये वारदातें होती हुई आई है। कल देर रात 12:30 बजे का वक्त होगा जब बाईपास वाई जंक्शन की जो बीट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मौजूद एएसआई पवार और ट्रैफिक वार्डन अफरोज सैयद, इन लोगों को एक कॉल आया। बताया गया कि वहाँ पर एक नौजवान ट्रक ड्राइवरों को लूट रहा है, मोबाइल लूट रहा है और एक ट्रक ड्राइवर पर उसने हमला भी किया। वहीं जब ये लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान है जिसके हाथ में एक चाकू है, उसे उन लोगों ने पकड़ा बड़ी दिलेरी से। और उसके बाद में जब उसे लाया गया बीट पर तो उसके पास से 4 से 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, साथ साथ उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया। और जिस ड्राइवर को उसने मारा था उसके हाथ से जो मोबाइल लिया वो भी उस नौजवान युवक के पास बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये युवक अमृतनगर दरगाह रोड परिसर के पास कहीं रहता है। फौरन एएसआई पवार ने मुमरा पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और मुमरा पुलिस ने आकर के उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। आइए देखते हैं और जानते हैं क्या कहा एएसआई पवार और ट्रैफिक वार्डन अफरोज सैयद ने। धन्यवाद। पवार सर, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक दुर्घटना घटी है मुमरा बाईपास पर, लूट की वारदात हुई है, आपको पता है इस मामले में? हाँ यस सर, हमने पकड़ा। आप नहीं पकड़े? कहाँ से पकड़े उस युवक को? जंक्शन के पीछे जो ब्रिज खत्म होता है वहाँ बाईपास पर जो टोल है उसके पहले ब्रिज है। टोल के आगे आने के बाद जैसे आप सिटी में आते हैं जी, वहाँ वो बंदा ट्रक पे चढ़ रहा था जी, कुछ एक ड्राइवर ने बताया वैसे हम उधर गए। हाँ, वहाँ मिला। तो उसको आपने जब पकड़ा तो उसके पास से आपको कोई चीज़ें बरामद हुई? हाँ, उसको हाथ में चाकू था, 3-4 मोबाइल मिले, पाँच मोबाइल। तो कैश है उसका, कैश जीना नहीं हमने, कैश है। ड्राइवर पर कोई हमला वगैरह किया? हाँ, ड्राइवर को मारा उसने, वो ड्राइवर अभी हॉस्पिटल गया है, वहाँ आएंगे देखेंगे आगे। अफरोज भाई, ये अक्सर आपने देखा होगा मुमरा बाईपास परिसर में ऐसी वारदातें लगातार महीने में एक या दो बार होती रहती है और लगभग हमने देखा है हमेशा आपकी टीम या आपके सहयोगी लोग ही इन्हें पकड़ते हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे खास तौर पर मुमरा पुलिस प्रशासन से? नहीं, मुमरा पुलिस हमसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मुमरा पुलिस 24 घंटा रहते हैं जी, हमसे ज़्यादा वही रहते हैं, उनकी पेट्रोलिंग हम भी देखते हैं, डिटेक्शन वाले भी रहते हैं, मुमरा पुलिस हमसे ज़्यादा मुमरा पुलिस रहते जी, हमारे तरह उनका पेट्रोलिंग कंटिन्यू, ये क्या करते हैं मौका देखते और चढ़ जाते हैं गाड़ी पर। तो जिस युवक से आप लोगों ने चाकू और मोबाइल बरामद किए वो कोई नशे में है? हाँ, नशे में है और ड्राइवर को, मतलब उसने दो ड्राइवर को चाकू से मारा है और फिर उस जिस ड्राइवर चाकू मारा उसका ये सेल फोन है जी, और बाकी 2-3 ड्राइवर का छीना और 2-3 ड्राइवर शायद निकल के पता नहीं, उसके पास से ये सारी चीज़ें आपको मिली है? हाँ यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप। और हमको पत्रकार ने मतलब हेल्प की पकड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।